तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिंपल सूट की कटिंग, कि कैसे सिंपल सूट की कटिंग आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सारा कुछ बहुत ही डिटेल से बताने वाले हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमने आपको अपनी पहली वीडियो में सूट से नाप लेना सिखाया था, और इस वीडियो में हम आपको उसी नाप की कटिंग करना सिखाएंगे। तो दोस्तों जिन लोगों को कटिंग सीखना है तो वो ये वीडियो देख सकता है। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद नहीं आए तो इस वीडियो को डिसलाइक करें। और दोस्तों जिन लोगों को स्टिचिंग भी सीखनी है वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इस सूट की स्टिचिंग भी सिखाएंगे। तो चलिए अब कटिंग करना सीख लेते हैं सूट की। तो दोस्तों कटिंग सीखने के लिए आपको सबसे पहले सीखना होगा अपने कपड़े को बिछाना, किस प्रकार से हमारा कपड़ा बिछाया जाता है। तो जैसे कि ये हमारा कपड़ा है, हम इसको मार्केट से लाए हैं, ये सेम ऐसे ही रखा हुआ है जैसे कि मार्केट से आता है। तो अब हम आपको इसको खोलना और फिर इसको बिछाना सारा कुछ बताने वाले हैं। तो इसको खोलना कैसे है देखिए, सबसे पहले ऐसे खोल लीजिए, ऐसे और फिर ऐसे, और जो फिर ये कपड़ा है ये ऐसे। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, बस सिर्फ अपने कपड़े को ऐसे खोल देना है। तो ये देखिए ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है, और हमारा जो साइज़ है वो 2 मीटर कपड़े में से आराम से बन जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि हमने अपने कपड़े को खोल लिया है, अब हम आपको एक चीज़ और बताते हैं कि कपड़े को फोल्ड करने के लिए आपको क्या पॉइंट याद रखना है और क्या पॉइंट ध्यान रखना है। दोस्तों जैसे कि आपका दामन, जो आपका दामन होता है उसके अकॉर्डिंग कपड़ा फोल्ड किया जाता है। तो जैसे कि हमारा दामन यहाँ पर 20 इंच है, तो हम 20 इंच का आधा करेंगे, 20 इंच का आधा होता है 10 इंच। दोस्तों आपको अपने दामन के अकॉर्डिंग ही कपड़ा फोल्ड करना है बिल्कुल। तो दोस्तों जैसे कि हमारे दामन का आधा 10 इंच है, उसमें हमें 1.5 इंच का मार्जिन भी ऐड करना है, यानी कि 20 का आधा 10 इंच और 10 इंच में फिर हमें 1.5 इंच ऐड करना है, वो हो जाएगा 11.5 इंच। तो पहले हम अपने कपड़े को थोड़ा इस प्रकार ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। अब दोस्तों हमें नापना है यहाँ पर 11.5 इंच, जो हमारी ये कन्नी है, देखिए यहाँ पर जो हमारे कपड़े में कन्नी होती है, इस कन्नी को आपको छोड़ देना है, मतलब इस कन्नी को आपको नहीं नापना। तो हमने जैसे कि यहाँ पर अपने कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लिया है, फोल्ड करने के बाद अब हम अपने इंची टेप को जो है दोस्तों देखिए यहाँ पर इस तरीके से अपनी जो ये कन्नी है, कन्नी को आगे की तरफ निकाले रखेंगे, यहाँ पर इंची टेप रखकर अपना 11.5 इंच पर फोल्ड करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपने पहले 11.5 इंच पर निशान लगा लेना है, ताकि आपको मालूम रहे कि आपका 11.5 इंच कहाँ पर बैठता है, नीचे भी और ऊपर भी। तो अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर हमें अपना कपड़ा ऐसे पकड़ना है मार्क से, और ऐसे थोड़ा हिला हिला कर बिल्कुल बराबर ऐसे कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा कपड़ा बिल्कुल ऐसे फोल्ड हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें अपने कपड़े पर थोड़ी प्रेस लगा लेनी है, ताकि हमारा कपड़ा बिल्कुल फिनिशिंग से यहाँ पर बैठ जाए, आपको भी प्रेस लगानी है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने अपने कपड़े पर बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर ली है, आपको भी इसी तरीके से करनी है। अब मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर आपके दामन का साइज कुछ भी हो, आपको उसका आधा करना है, उस आधे में आपको 1.5 इंच प्लस करना है और फिर अपने कपड़े को ऐसे फोल्ड कर देना है। तो अब दोस्तों क्या करना है, अब आपको सबसे पहले ऊपर की तरफ एक सीधा निशान लगा लेना है, इस तरीके से। सीधा निशान लगाने से आपका ये फायदा होगा कि आपका जो तीरा होगा वो बिल्कुल सीधा कटेगा ऊपर की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने बिल्कुल सीधा निशान लगाया, अब हम इसको काट कर अलग कर देंगे। तो यहाँ पर काट कर हमने बिल्कुल इसको बराबर कर दिया है। इसके बाद हमें लगाना होता है अपनी लंबाई का निशान। आपकी लंबाई कुछ भी हो, आपको अपने इंची टेप को इस प्रकार ऊपर की तरफ मिलाकर रखना है, और नीचे की तरफ जितनी भी आपकी लंबाई है उतना ही निशान लगाना है, बस सिर्फ उसमें 1/2 इंच ऐड करना है। 1/2 इंच क्यों ऐड करना है, जब आप अपने सूट की कटिंग कर लेंगे और उसे मतलब फ्रंट को बैक में अटैच करेंगे, तो आपके कंधी जुड़ते वक्त 1/2 इंच का मार्जिन वहाँ पर चला जाएगा। तो आपको आपकी जितनी भी लंबाई रखनी है सिर्फ उसमें 1/2 इंच ऐड करना है। तो जैसे कि हमारी यहाँ पर लंबाई 36.5 इंच थी, तो हम इसमें 1/2 इंच ऐड कर लेंगे, तो हो जाएगी हमारी यहाँ पर 37 इंच। तो 37 इंच पर हम देखें यहाँ पर इस प्रकार से निशान लगाएंगे।
ये हमने सीधा निशान लगाया इस प्रकार। अब आपको एक काम और करना है, आपको इसमें 2.25 इंच, 2 इंच या 2.25 इंच ऐड करना है अगर आप अपने सूट की में तुरपाई करते हैं। अगर आप सिलाई से फोल्ड करते हैं तो आप 1 इंच लें, अगर आप तुरपाई से फोल्ड करते हैं तो आप 2 या 2.25 इंच लें। तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ 37 में 2 इंच और ऐड कर देते हैं मार्जिन के लिए, जो तुरपाई के लिए फोल्ड होगा इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें लगाना है अपने आर्म होल का निशान। आर्म होल का निशान जो हम लगाएंगे ऊपर से 6.5 इंच यानी कि 6.5 इंच पर लगाएंगे इस तरीके से। 6.5 इंच पर दोस्तों 95% 6.5 इंच पर ही निशान लगाते हैं ज़्यादातर। 44 इंच ब्रेस्ट तक आपको भी 6.5 इंच पर निशान लगाना है सिंपल सूट की कटिंग करने के लिए। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको लगाना है अपनी कमर का निशान। इंची टेप को यहीं रखे रहना है। उसके बाद जो कमर का निशान लगाया जाता है वो लगाया जाता है 14 इंच पर। अगर आपकी जो हाइट है मतलब कि नॉर्मल हाइट है, कम हाइट है, तो आपको 14 इंच पर निशान लगाना है। अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो आपको 14.5 इंच पर निशान लगा लेना है। ये डिपेंड करता है आपके कस्टमर पर कि उनकी हाइट कितनी लंबी है या फिर उनकी हाइट कितनी कम है। कम है तो 14 इंच पर निशान लगाएं, थोड़ी ज़्यादा है तो 14.5 इंच पर निशान लगा लें कमर का। उसके बाद दोस्तों आपको निशान लगाना है अपने हिप का। हिप का निशान हम लगाएंगे ऊपर से 21 इंच पर। ज़्यादातर हिप का निशान भी ऊपर से 21 इंच पर ही लगाया जाता है। यहाँ पर आप अपने कस्टमर से पूछ भी सकते हैं कि आपको अपने हिप मतलब कि जहाँ पर चाक पल्ले खुलते हैं वो कितने इंच पर रखने हैं। वैसे नॉर्मली 21 इंच पर हिप का निशान लगाया जाता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अपने सारे निशानों को सीधा कर लेना है स्केल की मदद से। दोस्तों ये हमने अपने सारे निशान जो हैं सीधे कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है ये चीज़ आप ध्यान से देखिए। अब हमें लगाना है निशान अपने तीरे का। तो दोस्तों तीरा जो रखेंगे हम रखेंगे अपना 13 इंच, क्योंकि हमने जब नापा था हमारा 13 इंच आया था तीरा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 13 इंच रखने के लिए, 13 इंच का आधा करेंगे वो होगा 6.5 इंच यानी कि 6.5 इंच। अब हम अपना 6.5 इंच जो है दोस्तों यहाँ से 6.5 इंच इस प्रकार नापेंगे ऐसे। तो ये हमने यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगा दिया। अब इसके बाद नीचे की तरफ जो आपकी ये ब्रेस्ट लाइन है इस पर निशान लगाना है। इस पर निशान कैसे लगाना है और क्यों लगाना है, इस पर निशान हमें दोस्तों जैसे हमने यहाँ पर 6.5 इंच पर अपना तीरा रखा है, आपका तीरा चाहे कितना भी हो आपको उसका आधा करके निशान लगा लेना है। फिर उसके बाद उस तीरे में से 1 इंच कम कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर हमने 6.5 इंच पर निशान लगाया उसमें से 1 इंच कम किया तो वो होगा 5.5 इंच। अब हम यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान लगा देते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि ये निशान लगाया क्यों है। दोस्तों ये निशान इसलिए लगाया है ताकि आपके जो आर्महोल होता है इसकी शेप जो है अच्छी आए। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है दोस्तों, आपके आर्महोल की साइड में यहाँ पर झोल आता है, तो झोल ना आने के लिए हम इसको ऊपर से 1 इंच कम पर निशान लगाते हैं। आप दोस्तों इसको 0.5 इंच कम या फिर 0.25 इंच कम भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी स्ट्रक्चर पर कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर किस तरीके की है। जब आप किसी का नाप लेते हैं, जैसे कि हमने जो सूट का नाप लेना आपको बताया हुआ है, तो हमने यहाँ पर अपने दिमाग से उस सूट की फिटिंग को देखकर ऊपर से नीचे की तरफ मतलब ऊपर वाले निशान से 1 इंच कम किया है। आपको भी ऐसे ही कम करना है। और अब हम दोस्तों अपने इन निशानों को एक दूसरे से मिला लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हमने अपने निशान मिला लिए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको लगाना है निशान अपनी ब्रेस्ट का। तो जैसे कि हमने यहाँ पर अपने सूट का नाप लिया हुआ है तो इसमें आपको कोई भी लूजिंग नहीं डालनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि हमारी ब्रेस्ट यहाँ पर 36 इंच है, अगर आप सूट से नाप लेते हैं तो आपको कोई लूजिंग नहीं डालनी है। जितनी भी आपकी ब्रेस्ट है उसका चौथाई भाग करना है, यानी कि जैसे कि हमारी ब्रेस्ट 36 इंच है तो हम यहाँ पर 36 को 4 से डिवाइड करेंगे और बराबर में जो हमारा आएगा वो आएगा 9 इंच। देखिए हमने यहाँ पर अपनी 36 इंच ब्रेस्ट को 4 से भाग किया तो हमारा आया हुआ है 9 इंच।
आपकी ब्रेस्ट कुछ भी हो, मान लीजिए 40 इंच आपकी ब्रेस्ट है, तो आपको क्या करना है, 4 से भाग करना है और उसी का मार्क आपको यहाँ पर लगा देना है। उसमें कोई लूजिंग नहीं डालनी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली 9 इंच पर अपना मार्क ऐसे लगा देते हैं। 9 इंच यहाँ पर रखा अपने कोने पर इधर की साइड, और ऊपर पीछे ऊपर की तरफ यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगा दिया। अब इसके बाद दोस्तों आपको जो निशान लगाना है वो लगाना है अपनी कमर का निशान। तो कमर देखिए हमारी यहाँ पर 30 इंच है, तो 30 इंच का भी आपको चौथाई भाग करना है। तो देख लीजिएगा, जैसे कि हमारी कमर जो थी 30 इंच है, थोड़ा इसको, जैसे कि हमारी कमर जो है 30 इंच है, 30 का आपको चौथाई भाग करना है, वो आएगा करीबन 7.5 इंच। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपना 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर आपकी कमर ज़्यादा होती है तो आपको उसको 4 से डिवाइड करना है, जितना भी आता है यहाँ पर उतने पर ही मार्क लगा लेना है। तो हमारा जो आया है यहाँ पर 7.5 इंच आया है, तो हम अपना 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको निशान लगाना है अपने हिप का। हिप में भी आपको कोई लूजिंग नहीं देनी है। लूजिंग क्यों नहीं देनी है, क्योंकि आपने अपने सूट से नाप लिया था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारे हिप यहाँ पर 37 इंच है, 37 इंच, तो हमें इसको भी 4 से डिवाइड करना है। तो जैसे कि हम 37 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे, तो वो आएगा हमारा 1.25 इंच, यानी कि 9.25 इंच। अगर आपके हिप कुछ भी होते हैं, मान लीजिए कुछ भी है A to Z, सिर्फ आपको उसको डायरेक्टली 4 से डिवाइड करना है और उतना ही मार्क आपको यहाँ पर लगा देना है। तो हमारे यहाँ पर 1.25 इंच आए हैं, तो हम यहाँ पर 1.25 इंच पर ऐसे मार्क लगा देते हैं। अब दोस्तों बारी आती है दामन की। तो हमारा जो दामन था वो 20 इंच था फ्रंट पल्ले का, और जो टोटल मान ली, जो टोटल देखा जाएगा वो था 40 इंच। अगर आप टोटल नापते हैं तो आपको 4 से डिवाइड करना है। अगर आप फ्रंट फ्रंट का पल्ला नाप लेते हैं अपने सूट से, जैसे कि वो 20 इंच था हमारा, तो आपको उसके उसको 2 से भाग करना है, मतलब कि 2 से डिवाइड करना है। तो 20 का आधा होगा 10 इंच। तो हमें यहाँ पर अब अपना 10 इंच पर ऐसे मार्क लगा देना है। आपका दामन कुछ भी हो, आपको भी इसी तरीके से निशान लगाना है अपने दामन का हाफ करके। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने सारे निशान जो हैं सीधे कर लेने हैं, सारे निशान एक दूसरे से मिला लेने हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये हमारे मार्क हमने एक दूसरे से मिला लिए हैं, अब आपको करना क्या है, आपको अपने हिप से और यहाँ तक मार्जिन छोड़ना है। पहले वो छोड़ना है 1.5 इंच का, यानी कि मान लीजिए जितना आपका ये फीटा है, फीटे की चौड़ाई के अकॉर्डिंग भी छोड़ सकते हैं, मतलब कि 1.25 इंच या फिर 1.5 इंच, जितना आपको अच्छा लगे आप उतना मार्जिन छोड़ दीजिएगा। तो हम यहाँ पर इतना मार्जिन यहाँ पर ऐसे छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमने दोस्तों मार्जिन अभी इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि यहाँ पर जो है हम अपना अपने अकॉर्डिंग काट लेंगे, या फिर आप एक काम कर सकते हैं यहाँ पर भी मार्जिन छोड़ सकते हैं ऐसे। यहाँ पर थोड़ी सेप दे दें क्योंकि आपको यहाँ पर सीधा नहीं काटना है, थोड़ा सेप देकर काटना है। अब दोस्तों बारी आती है यहाँ पर आर्म होल के मार्क लगाने की, कि आपको आर्म होल की सेप कैसे देनी है। ये सेप देना बहुत ही मुश्किल होता है काफ़ी लोगों के लिए, तो हम आपको एक तरीका बताते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको मैं एक बात बता देता हूँ, नॉर्मली बिगनर्स के लिए, जो परफेक्ट होंगे वो तो डायरेक्टली लगा देंगे। सिर्फ आपको अंदाज़ा करना है, आपको जैसे कि ये आपका हाथ है, आपको इस प्रकार से इसको ऐसे रखना है और करीबन यहाँ से अपने माइंड में सोचना है कि ऊपर करीबन 1.25 इंच के लगभग ऊपर तक यहाँ पर अपने चाक को ऐसे रखना है। चाक को रखने के बाद गोलाई जो है दोस्तों देखिए इस प्रकार से आपको देनी है, ध्यान से देख लेना, गोलाई इस प्रकार से देनी है ऐसे, और यहाँ पर आकर ऐसे आगे की तरफ निशान लगाने देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी बिल्कुल परफेक्ट गोलाई ऐसे लगी हुई है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि गोलाई कैसे देनी है। ऐसे अपने हाथ को ऐसे रखना है यहाँ पर ही दिखा देता हूँ, यहाँ पर अपने हाथ को ऐसे रखना है, ये जो 3 उंगली होती है इनको ऐसे रखें, और यहाँ पर चोंक रखने के बाद अपने हाथ को इस तरीके से ऐसे घुमाएं, ऐसे ऐसे घुमाने से जो है ना बिल्कुल आपकी जो गोलाई है वो बिल्कुल अच्छी आएगी। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता, तो आपको ये चीज़ ध्यान से सीख लेनी है। अब दोस्तों बारी आती है हमारी कटिंग करने की, अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
तो दोस्तों आपको अब कटिंग जो है ऊपर की तरफ जहां पर हमने अपने तीरे का निशान लगाया था यहां से स्टार्ट करनी है। कटिंग करने के लिए देखिए आपको कैंची को इस प्रकार से इसके नीचे ऐसे रखना है और कैंची को आराम से चलाना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप आराम से चलाएं, अगर आप परफेक्ट हैं तो आप थोड़ी तेज़ी से चला सकते हैं, लेकिन गोलाई पर तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है आराम से चलानी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी जो गोलाई है ऐसे कट चुकी है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर अपनी जो ये हमने मार्जिन छोड़ा था मार्जिन वाले मार्क पर ही ऐसे कटिंग कर देनी है। यहाँ पर थोड़ी गोलाई लेके चलेंगे ताकि आपके सूट में सिलाई लगाते वक्त थोड़ी फिनिशिंग आ जाए। आपको मतलब इसी गोलाई के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी है, जब आप यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो इसी गोलाई के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी है, ऐसे नहीं सीधी ऐसे सिलाई नहीं लगानी है, थोड़ी गोलाई में सिलाई लगानी है। अब हम सारे ऊपर से नीचे तक इसको काट देते हैं। अब नीचे से यहाँ पर जो हमारी लंबाई है, लंबाई में जो हमने मार्जिन दिया था इस मार्क से इसको काट देंगे। तो देखिए दोस्तों जैसे कि ये हमारा फ्रंट यहाँ पर कट चुका है, ये देख लीजिएगा आप, ये हमारा फ्रंट है। अब हम इसको थोड़ा अलग रख देते हैं क्योंकि अब हमें बैक निकालना है। तो बैक निकालने के लिए जो आपका कपड़ा बचा हुआ है ये देखिए, यहाँ पर जो हमारा इधर की साइड में ये कपड़ा है इसको हम थोड़ा ऊपर खींच लेते हैं ऐसे, जो हमारा ये साइड में कपड़ा है इसमें से हम अपना बैक निकालेंगे। तो दोस्तों बैक निकालने के लिए भी आपको सेम प्रोसेस करना है, पहले 11.5 इंच अपने कपड़े को फोल्ड कर लेना है और इस पर फिनिशिंग के साथ प्रेस लगा लेनी है। तो दोस्तों बैक काटने के लिए हमने अपने कपड़े को फोल्ड करके अच्छी फिनिशिंग के साथ प्रेस कर ली है। इसको भी आपको ऐसे ही फोल्ड करना है, जितना भी आपका दामन हो उसका हाफ करके 1.5 इंच मार्जिन बढ़ा देना है। अब आपको करना क्या है, आपको अपना फ्रंट ले लेना है जो उनसे आपने अभी अभी काटा हुआ है, इसको आपको अपने बैक के ऊपर ऊपर की तरफ बिल्कुल मिलाकर ऐसे बिल्कुल ऊपर की तरफ मिलाकर और यहाँ साइड से यहाँ से भी बिल्कुल मिलाकर ऐसे रख लेना है। दोस्तों ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है कटिंग करने का। अगर परफेक्ट लोग होंगे तो वो क्या करेंगे, वो पहले ही कपड़े को ऐसे फोल्ड करके फ्रंट और बैक को एक साथ निकाल देंगे, लेकिन हमारा मेन पर्पस है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाना ताकि आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब दोस्तों आपको मैं एक पॉइंट की बात बताता हूँ यहाँ पर, जैसे कि अगर आपका नेक फ्रंट वाला हिस्सा मतलब कि जो अब आप सूट पहनते हैं आपका सूट जो है पीछे की तरफ भागता है, अगर आपका सूट जो है पीछे की तरफ भागता है तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने जो ये फ्रंट है इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे खिसका लेना है करीबन 1/2 इंच। देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर देख लीजिएगा आप, ये हमने यहाँ पर करीबन 1/2 इंच देखिए इधर की तरफ नीचे की तरफ खिसका लिया है, ये हमारा बचा हुआ है। ठीक दोस्तों, अगर पीछे की तरफ जाता है, अगर नहीं जाता है बिल्कुल फिट है तो आपको बिल्कुल मिलाकर ऐसे रखना है। तो हमारा जो सूट है जिनका ये सूट हम बना रहे हैं उनकी बिल्कुल फिटिंग जो है सही है, उनका सूट पीछे की तरफ को नहीं भागता, तो हम इसको बिल्कुल मिलाकर ऐसे रखेंगे। उसके बाद एक बार फिर इसके ऊपर प्रेस लगा देंगे। प्रेस लगाना एक मेन पॉइंट होता है दोस्तों, अगर प्रेस लगाकर आप कटिंग कर रहे हैं ना तो आप किसी का भी सूट बनाते हैं अपना या अपने किसी फ्रेंड का या अपनी मदर का या फिर अपनी सिस्टर का, किसी का भी सूट बनाते हैं कस्टमर का, तो जिस जो भी वो सूट पहनेगा वो खुश हो जाएगा। तो दोस्तों अब करनी है आपको कटिंग। कटिंग करने में भी आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, जो बैक बैक का जो आर्मोल होता है, आर्मोल की जो शेप होती है दोस्तों वो थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है। क्यों रखी है, क्यों ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि जब हम यहाँ पर सिलाई लगाते हैं तो आपके जो शेप होती है आर्मोल की उसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं आता और फिटिंग भी अच्छी रहती है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा हमें ज़्यादा रखना होता है इस वाले हिस्से पर। यहाँ पर भी हम थोड़ा निशान लगा देते हैं इस तरीके से, देखिए दोस्तों बैक के लिए ऐसे थोड़ा ज़्यादा रखना होता है इस तरीके से, बस ये अंदाज़ा होता है, आप अपनी शेप के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब हम ऊपर से इसकी कटिंग करेंगे, जो हमारा बैक आर्म होल है सिर्फ यहाँ पर कटिंग करेंगे, बाकी सारा कुछ सेम काट देंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो आर्म होल है बिल्कुल सही तरीके से कट चुका है, परफेक्ट
परफेक्ट कटा हुआ है बिल्कुल आर्म होल। अब आपको करना क्या है, बस अपनी शेप के अकॉर्डिंग मतलब जो भी आपकी यहाँ पर ये है बिल्कुल मिलाकर इसको काट लेना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो हमारा फ्रंट और बैक है बिल्कुल कटकर तैयार हो चुका है। अब इसके बाद जो होती है हमारी आस्तीन काटी जाती है, लेकिन उससे पहले आपको एक पॉइंट मतलब कि एक काम करना होता है। क्या काम होता है वो, मतलब यहाँ पर कट लगाने होते हैं, जैसे कि ये वाला निशान है लेंथ वाला, हिप वाला, कमर वाला और यहाँ पर ये वाला, इन पर आपको कट लगाने होते हैं। कट कैसे लगाते हैं, अपनी उंगली को ऐसे मार के नीचे रखना है और कैंची से ऐसे काट देना है। ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा कट लगा है, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसा कट लगाना है आपको। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर कट लगा लेना है ऊपर कमर पर और ऊपर की तरफ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा सूट जो है बिल्कुल कटकर तैयार हो चुका है। अब हमें काटनी है अपनी आस्तीन। तो दोस्तों आस्तीन काटने के लिए जो हमारा साइड से कपड़ा बचा हुआ है इसको फोल्ड कैसे करना है, देखिए अपना ये वाला कोना पकड़ना है, इधर वाला और इधर वाला, इन दोनों को ऐसे मिलाने हैं, ऐसे मिलाया और फिर अपना ऐसे इसको किया और फिर थोड़ा झटक दिया। झटकने से क्या होगा, जो झोल वगैरह होगी सारी निकल जाएगी। अब इसको हमें ऐसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है इसको काट कर फेंक देना है। ये कोई काम का नहीं अभी। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड किया। अब फोल्ड करने के बाद इस पर हम एक बार फिर प्रेस लगा लेंगे। तो दोस्तों प्रेस लगाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नीचे से जो है कपड़ा बिल्कुल बराबर कर लेना है। ऐसे यहाँ पर फेटा रखेंगे और ऐसे लगा के इसको काट कर फेंक देंगे। अब आपको क्या करना है, पहला जो निशान लगाना है, सबसे पहला निशान देख लीजिएगा, आपको 1.5 इंच का लगा देना है। ये क्या है, ये है मार्जिन जो आस्तीन की गोलाई के लिए नीचे की तरफ फोल्ड होता है। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच का ऐसे मार्क लगा देते हैं। ऐसे मार्क लगाया और इस मार्क को अब हम सीधा कर देते हैं। मार्क को इस प्रकार सीधा करने के बाद अब आपको लगानी है अपनी आस्तीन की लंबाई। तो दोस्तों आस्तीन की जो हमारी लंबाई थी वो देखिए यहाँ पर हमने 17 इंच ली हुई थी। 17 इंच हमारी आस्तीन की लंबाई थी। तो इसमें हम क्या करेंगे, 17 इंच में हमें आधा इंच ऐड करना होगा, जो कि हमने आपको नाप लेते वक्त बताया था कि हमें मार्जिन जो होता है कटिंग करते वक्त देना होता है। तो हमें 17 इंच में 1/2 इंच ऐड कर देना है, तो वो हो जाएगा 17.5 इंच यानी कि 17.5 इंच। तो यहाँ पर इंची टेप को रख कर ऊपर की तरफ 17.5 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा निशान हुआ और अब दोस्तों हम इस निशान को भी ऐसे सीधा कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें एक निशान लगाना होता है अपनी नीचे की तरफ 3 इंच का, क्योंकि इस निशान से जो 3 इंच नीचे की तरफ निशान लगता है वो लगता है सेप का, जब हमें अपनी आर्म होल की यहाँ पर सेप देनी होती है ऐसे कुछ, तो उस सेप की सेप को जो दिया जाता है वो ऊपर से नीचे की तरफ 3 इंच तक दिया जाता है। तो हम यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ सीधा 3 इंच पर जो है मार्क लगा लेते हैं और इसको भी ऐसे सीधा कर देंगे। तो दोस्तों ये निशान भी सीधा करने के बाद अब बारी आती है आर्म होल की, कि आपको अपने आर्म होल कितना रखना है आस्तीन का। दोस्तों वो रखा जाता है सूट के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने अपने सूट का जो आर्म होल लिया था वो लिया था 6.5 इंच। तो 6.5 इंच अगर हमने सूट का आर्म होल लिया हुआ है तो आपको अपनी आस्तीन का जो आर्म होल लेना होगा वो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। आप अपने सूट का आर्म होल कितना भी रख लो, 7 इंच रखते हो या 8 इंच रखते हो, कितना भी रखते हो, बस उसमें 1/2 इंच ऐड करके अपने आस्तीन का आर्म होल काट लेना है। तो हम यहाँ पर 7 इंच पर अपना निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने जो सूट का आर्म होल रखा हुआ था वो 6.5 इंच था। तो हम ऐसे यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाएंगे। जो ये वाला निशान हमने लगाया था 3 इंच वाला, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इस वाले निशान पर 7 इंच का निशान लगता है। ऐसे ऐसे लगाया। अब बारी आती है दोस्तों नीचे की तरफ गोलाई की, कि आपको अपनी गोलाई कितनी रखनी है आस्तीन की। तो जैसे कि हमने नाप लेते वक्त अपने आस्तीन की गोलाई नापी थी वो थी हमारी 9 इंच, तो हम क्या करेंगे 9 इंच का सीधा हाफ करेंगे, हाफ होगा 4.5 इंच। तो यहाँ पर हम 4.5 इंच पर ऐसे निशान लगा देते हैं। अब हम इनको एक दूसरे से ऐसे मिला लेंगे
और अब इसके बाद जो बारी आती है वो आती है सेप की, कि आर्म होल मतलब जो आपकी आस्तीन होती है उसकी सेप कितनी रखनी होती है। उससे पहले आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा मार्जिन छोड़ सकते हैं, बराबर में ऐसे फीटा रख के ही छोड़ रहे हैं हम मार्जिन, आप अपने अकॉर्डिंग छोड़ लें, 1.25 इंच या 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा जाता है नॉर्मली। अब आती है बारी दोस्तों सेप की, कि आपको सेप कैसे देनी है। यहाँ से अपने ऐसे जो है अपना जो जिस चीज़ से भी आप मार्क लगा रहे हैं चाक से, तो आपको यहाँ से ऐसे सेप देनी है कुछ इस प्रकार से, देख लीजिएगा हम आपको दिखा देते हैं। ऐसे चलना है और फिर ऐसे जाते हुए बस ऐसे इसको मिला देना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसी सेप आनी है आपकी। अगर दोस्तों आप भी ऐसी सेप देते हैं तो आपकी जो आस्तीन होगा जब सूट में अटैच होगा तो झोल बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि सेप जो होती है ना मेन मैटर करती है फिनिशिंग के लिए। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम अपनी सेप के अकॉर्डिंग इसको काट देंगे। तो दोस्तों देखिए, ये हमारी आस्तीन कट चुकी है। अब बारी आती है दोस्तों सेप देने की, फ्रंट और बैक की, कि फ्रंट कौन सा हिस्सा रखा जाएगा और बैक कौन सा हिस्सा रखा जाएगा। तो इसके लिए आपको अपनी आस्तीन को ऐसे खोलना है। देखिए, दो आस्तीन हमने एक साथ काटी थी, तो दोनों आस्तीन को ऊपर से मतलब कि ऐसे पकड़ना है और ऐसे खोल लेना है। अब दोस्तों आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा हिस्सा फ्रंट का बनाना है और कौन सा बैक का बनाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिधर की तरफ भी आप सेप दे देंगे वो आपके फ्रंट का हिस्सा हो जाएगा। सेप जो होगी दोस्तों कुछ यहाँ से ऐसे दी जाएगी, इस प्रकार से यहाँ से शुरू करेंगे और ऐसे देते हुए इसको ऐसे मिला देंगे। तो पहले हम आपको कैंची से ही बता देते हैं, क्योंकि कैंची से सेप देंगे डायरेक्ट तो अच्छी सेप आएगी। मार्क से भी हम आपको चलो बता देते हैं, यहाँ से क्या करना है, ऐसे जाना है ऐसे थोड़ा थोड़े मार्क लगाकर ऐसे, और ऊपर की तरफ इसको ऐसे यहीं पर मिला देना है इस कोने पर, ये देखिए। तो दोस्तों ये हमारी सेप का निशान लगेगा बिल्कुल परफेक्ट। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मार्क पर ही काट देंगे। जिधर आपकी सेप होती है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वही आपका फ्रंट वाला हिस्सा है, मतलब कि वही आपके सूट के फ्रंट पार्ट में जुड़ेगा उधर की साइड से ही। अब फिर हम इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं, और फोल्ड करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कट लगा लेंगे अपने जो ये वाले हिस्से हैं, मतलब कि जहाँ पर हमारी गोलाई है यहाँ पर और यहाँ पर। कट लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कट लगाने से पता रहता है कि हमारा आस्तीन कहाँ तक जुड़ने वाला है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अपनी आस्तीन, अपने सूट का फ्रंट और बैक सारा कुछ काट लिया है। इसके बाद भी अगर अब भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट करके बताना। कुछ भी दिक्कत होती है, या फिर मेरे समझाने में कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है, या फिर ये लगता है कि मुझे कुछ और भी आपको बताना था, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो अपनी अगली वीडियो में स्टिचिंग में और भी अच्छे तरीके से बता सकूँ। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको इसी सूट की स्टिचिंग करना बताएंगे। दोस्तों आप हमारी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो देख कर अपने हर साइज़ के लिए कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। सिर्फ नाप जो है हमारा अलग था, मेथड वही फॉलो करना है जो हमने इस सूट को काटते वक्त फॉलो किया है, आपको भी वही मेथड फॉलो करना है। और दोस्तों अगर आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ उन लोगों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना जो लोग अभी अभी बिगनर्स हैं और जो लोग सिलाई सीखना चाहते हैं, उन लोगों के पास शेयर ज़रूर कर दें, ताकि उनका पैसा बच जाए वेस्टेज होने से और वो अपने घर बैठे ही सिलाई सीख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम आपको इसी सूट की कटिंग और स्टिचिंग मतलब स्टिचिंग सिखाने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।